दोस्तों बहुत सारे कमेंट कि मुझे पीएचडी प्रोजेक्ट चाहिए, मुझे पीएचडी प्रोजेक्ट चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप बहुत सारे पीएचडी प्रोजेक्ट जो अपने मन के अनुसार आप डाउनलोड कर सकते हैं, चूज़ करके डाउनलोड कर सकते हैं और फोटोशॉप में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों मेरा नाम है लव सिंह, आप देख रहे हैं कैसे सीखो यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए दोस्तों इसको कहाँ से डाउनलोड करना है, और ये फ्री वेबसाइट है दोस्तों, एक वेबसाइट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपको पीएचडी प्रोजेक्ट जो है कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है दोस्तों। तो फटाफट से चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों पीएचडी प्रोजेक्ट को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होगा, ठीक है। तो क्रोम ब्राउजर को मैंने ओपन कर रहा हूँ, मैं यहाँ से जो मैं बताऊंगा दोस्तों, आपको यहाँ पे एक वेबसाइट है उसको आपको सर्च करना होगा, ठीक है दोस्तों। वेबसाइट का नाम है www.freepeak.com। तो इस पर जैसे आप इस पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, इंटर कर देना है आपको। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो साइड है ये ओपन हो गया है, इस तरह का इसका इंटरफेस देखने को हमें मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो अभी आपको पीएचडी डाउनलोड करने के लिए दोस्तों देखिए यहाँ पे प्रीमियम वर्जन है, तो प्रीमियम वर्जन आप कुछ पैसे देके उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और यहाँ पे फ्री वाला भी है, फ्री वाला को भी आप डाउनलोड करके यूज़ में ला सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ थर्ड नंबर पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा पीएचडी का, ठीक है दोस्तों। तो इस पीएचडी वाले को आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कैटेगरी मांगा जाएगा, पूछा जाएगा कि आप कौन से कैटेगरी में इसको डाउनलोड करना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं जो अभी फोटोशॉप में यूज़ करूँगा वो इफेक्ट डाउनलोड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इफेक्ट दिया हुआ है, तो मैं इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। जैसे मैं इफेक्ट पे क्लिक करूँगा यहाँ का पेज जो है ये देखिए पीएचडी प्रोजेक्ट जो है ये ओपन हो रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लाइट्स है, और देखिए दोस्तों ये जिसमें लोगो आ जाएगा ये वाला आपको डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि ये प्रीमियम वर्जन है, इसका कुछ आपको चार्ज देना होगा। जिस तरह इसमें देखिए आपका कहीं ये लोगो नहीं आ रहा है, तो ये आपका फ्री वर्जन है, आप इसको डाउनलोड करके यूज़ में ला सकते हैं। जैसे कि ये देखिए ये भी इसमें भी हमको पैसा पेड करना पड़ेगा, तो आपको देखिए ये आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये भी देखिए ये जो है ये भी फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब जिसमें ये लोगो नहीं रहेगा वो फ्री रहेगा, उसको आप डाउनलोड करके यूज़ में ला सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आ जाता हूँ और देखता हूँ कि कौन कौन सा है। यहाँ पे बहुत सारे हैं दोस्तों, आप इसको डाउनलोड करके यूज़ में ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे देखिए एक मोबाइल फ़ोन वाला है, तो मैं ये मोबाइल फ़ोन वाले को चलिए मैं इसको फ़िलहाल डाउनलोड कर लेता हूँ। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे ये पेज है देखिए ओपन होगा, ठीक है। कुछ टाइम लगेगा तो वेट कर लेते। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये पेज जो है ओपन हो गया है। अब आपको देखिए यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कर देना। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए दोस्तों दो आपसे मांगा जाएगा, एक यहाँ से आपका ऑप्शन आ गया है प्रीमियम डाउनलोड, और एक आ गया है फ्री डाउनलोड। तो देखिए दोस्तों हमको फ्री डाउनलोड करना है, ठीक है। तो फ्री डाउनलोड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप फ्री डाउनलोड पर क्लिक करेंगे दोस्तों नीचे जो देखिए आपका यहाँ पर शो करेगा डाउनलोड, और ये ऑटोमेटिक डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ देर वेट कर लेते हैं, और उसके बाद देखिए दोस्तों ये हमारा जो है प्रोजेक्ट वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है, आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे यहाँ कैटेगरी आपको मिल जाएगा, आप कैटेगरी चूज करके अपना डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ वीडियो एडिट करने के लिए आप ये लाइट या बहुत सारे यहाँ पे इफेक्ट देख रहे हैं, आपको इफेक्ट भी आपका मिल जाएगा, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जो वो पीएचडी प्रोजेक्ट था अभी जो हमने यहाँ पे से डाउनलोड किया था वो कम्प्लीट हो गया है। तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कैसे इसको यूज़ में करना है। तो डाउनलोड में मैं आता हूँ, और यहाँ पे देखिए अभी जो डाउनलोड किया है मैंने वो दो यहाँ पे शो कर रहा है, तो चलिए मैं इसको डेस्कटॉप पे ले आता हूँ। उसके बाद फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करके फिर कैसे यूज़ करना है वो मैं ही आपको बताऊँगा। तो वीडियो को शुरू से देखिएगा दोस्तों, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको कुछ समझ में आएगा, ठीक है। वरना आप बाद में बोलेंगे हमको कुछ समझ में नहीं आया सर, पासवर्ड लगा हुआ है फाइल में, एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है। बहुत सारे प्रॉब्लम आप लोग के साथ आता है, जो आप वीडियो सही से देखते नहीं हैं और कमेंट पे परेशान करते रहते हैं और कॉल भी करते हैं, तो शुरू से देखिएगा। तो चलिए इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस पर राइट क्लिक करना है आपको। जैसे आप राइट क्लिक इस पर करेंगे तो आपको देखिए यहाँ एक्सट्रैक्ट फाइल का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से आपको ओके का ऑप्शन कर देना है, तो ठीक है ओके करेंगे। इसमें कोई पासवर्ड नहीं लगाइए, देखिए ऑटोमेटिक है जो एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गया, एक्सट्रैक्ट यहाँ पे होके आ गया है, ये फोल्डर बन गया। चलिए एक और फोल्डर है, इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं एक्सट्रैक्ट हेयर पे फोल्डर पे क्लिक करूँगा, उसके बाद फिर ओके पे क्लिक कर दूँगा, ये भी फोल्डर जो एक्सट्रैक्ट होकर यहाँ पर मेरा आ जाएगा। तो चलिए मैं इसको यहाँ ला लिया हूँ, अब ये दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ये दोनों फोल्डर को मैं डिलीट कर दिया। आप चलिए आपको जिसको ओपन कर देना फोल्डर को, जैसे ओपन करेंगे दोस्तों तो दूसरा वाला ये है। तो चलिए इसको हमने क्लिक किया और ये देखिए यहाँ पे ओपन हो गया है, और यहाँ पे इसका जो है ये इमेज दिया हुआ है, ठीक है। इमेज को देख लेते हैं, देखिए दोस्तों यही था इमेज।
तो चलिए हम इसका जो PhD है उसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ PhD पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको ओपन विथ पे क्लिक कर देंगे, ये ओपन होगा। उसके बाद परमिशन यहाँ से मांग रहा है दोस्तों, तो चलिए मैं इसको अलाउ कर देता हूँ और ये CS3 में जो है ओपन होगा। कुछ देर वेट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको यूज़ में लाना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, वो प्रोजेक्ट जो हमने डाउनलोड किया था यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक आ गया है। देखिए दोस्तों, इस तरह से आप इसको यूज़ में ला सकते हैं, ठीक है, एडिट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से इसका PhD प्रोजेक्ट को डिजाइनिंग किया गया है। आप अपने अनुसार से इसको एड कर सकते हैं, इसका कलर को डिफरेंस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लीजिए दोस्तों कि बहुत सारे आपको बहुत सारे यहाँ पे PhD टेम्पलेट दोस्तों मिल जाएगा उस साइट पे, अब तो आप उसको डाउनलोड करके यूज़ में ला सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये प्यारी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।